हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेपअप आईएएस। 9 मार्च है आज। इंपॉर्टेंट आर्टिकल और न्यूज़ को डिस्कस करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस के। तो आइए शुरुआत करते हैं। छोटी सी जानकारी कोचिंग के बारे में है। जिनको होली के बाद नया प्रोग्राम स्टार्ट करना हो वो ज़रूर अप्रोच करें। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। और गाइडेंस का प्रोग्राम जो है वो हर किसी के लिए होता है। जो लोग एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, अटेम्प्ट हो गया है, बट अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर कई बार ये लगता है कि आंसर राइटिंग की ट्रेनिंग में थोड़ी कमी है, तो आप उसके लिए अप्रोच कर सकते हैं। और जो लोग फुल कोर्स में आना चाहते हैं वो 2021 के अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला आर्टिकल। और फर्स्ट आर्टिकल वर्चुअल करेंसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जब 2018 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया था किसी भी तरीके का वर्चुअल करेंसी का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए बैंकिंग सिस्टम में, और इसको प्रोहिबिट कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा भी और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी। लेकिन अभी जो हाल में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है इसके लिए कि वर्चुअल करेंसी को इस तरीके से बैन करना या प्रोहिबिट करना गलत है, तो यहाँ पर अब ऑब्वियसली एक नया सवाल है कि क्या वर्चुअल करेंसी को अलाउ कर दिया जाएगा और इसके क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या पॉजिटिविटी क्या नेगेटिविटी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आरबीआई ने जो ये बैन किया है उसके लिए जब वहाँ पर बहस हुई और प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट में फेल हो गए, क्योंकि वो इस बात को साबित नहीं कर पाए कि आखिर क्यों प्रोहिबिट किया जाना चाहिए वर्चुअल करेंसी को। आपको मैंने बताया था लास्ट आर्टिकल में भी जब इस पर हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया में गवर्नमेंट ने जो टेक्नोलॉजी है बिटकॉइन की उस पर तो सहमति जताई है, और लेकिन जब वर्चुअल करेंसी पर हम बात करते हैं लेन देन की या इसको लाने की नॉर्मल स्ट्रीम में, तो वो इस चीज़ के लिए मना करते हैं। तो खैर, इसके कई सारे कारण हैं कि कितना ये डैमेज करेगा ये एग्जैक्टली पता नहीं होता है, इकोनॉमी को कितना हर्ट कर सकता है या क्या प्रॉफिट हो सकता है। चूँकि ये फैट नहीं है, आपको बताया था मैंने, नॉन फैट करेंसी की तरह है। नॉन फैट मतलब जिसमें लीगल बैकिंग नहीं होती है, ऐसी करेंसी को नॉन फैट करेंसी कहा जाता है। तो इस कंसर्न से वर्चुअल करेंसी को अलाउ नहीं किया गया। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत ने ऐसा किया, इसके पहले भी US, चाइना, अदर कंट्रीज़ में भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुआ है। और US गवर्नमेंट ने भी अपने यहाँ पर पहले तो इसका कितना मिसयूज हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता कि जो टेक्नोलॉजी वर्क करती है वो किस तरीके से काम करेगी और वहाँ के इकोनॉमी पर कितना असर डालेगी। और इसका जब तक कोई एक टफ नॉर्म्स और रेगुलेशन नहीं बन जाता तब तक इसको किसी भी कंट्री में अलाउ करना वहाँ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ये जो अजम्पशंस हैं उसके बेसिस पर इसके पहले भी US गवर्नमेंट, इवन चाइना गवर्नमेंट सब ने इसको मना किया था, और वही सेम कंसर्न इंडिया में भी रेज किया गया था। इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को तो एक्सेप्ट किया गया है, जबकि ऑब्वियसली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को माना जाता है कि मोस्ट ट्रांसपेरेंट टूल है ये, या फिर मोस्ट ट्रांसपेरेंट ट्रू लेडर है कि इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वर्चुअल करेंसीज को लेकर के इंडिया में भी अलाउ नहीं किया गया था। तो अभी भी कंसर्न वैसा का वैसा ही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हैज़ फाउंड दैट नो हार्म वॉज सफर्ड बाय द यूज़ ऑफ वर्चुअल करेंसीज। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जजमेंट में कहा है कि कोई हार्म नहीं होगा, तो ये अभी प्रेडिक्टेबल है, ये अभी क्लियर कंफर्म नहीं है कि हार्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतनी सिंपल सी चीज़ नहीं है। और हालांकि जब भी कोर्ट की हम बात करते हैं तो वहाँ पर दलीलें दी जाती हैं और डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अपना पक्ष रख पाते हैं। तो ऑब्वियसली जो ऑपोजिशन के लोग थे जिन्होंने इसके लिए पिटीशन दायर किया था, जो कंपनियाँ जिन्होंने की इसके लिए कहा था कि वर्चुअल करेंसीज पर होना चाहिए ट्रेड, तो उसको लेकर के उन्होंने ऑब्वियसली अपना पॉइंट अच्छा रखा, और सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि कोई भी हार्म इम्पैक्ट नहीं होने वाला है वर्चुअल करेंसी का, और इंडिया में भी इसको स्टार्ट किया जाना चाहिए, जो भी नए इनोवेशंस होते हैं उसको रोका नहीं जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है एक अच्छे रेगुलेशन का। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जैसे ये एक उसी कॉन्सेप्ट की तरह है, निकांतवाद का जो कॉन्सेप्ट होता है जैनिज्म में, जिसमें कि हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है सेम चीज़ के लिए, तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताया कि वर्चुअल करेंसी को लेकर के भी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स बने हुए हैं। सो द नाउ द नीड इज़ टू गेट अ वेरी गुड रेगुलेशन इसके लिए होना चाहिए, और तब अगर इस पर आगे कार्रवाई की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा।
अगला आर्टिकल हम वुमेन एम्पावरमेंट पर डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर वन में आप इसको ऐड कर सकते हैं। जीएस पेपर वन में कहाँ पर आ जाएगा? सोसाइटी में। सोसाइटी में एक टॉपिक लिखा हुआ है रोल ऑफ द वुमेन, आपको याद होगा, यहीं पर आप इसको एसोसिएट करेंगे। और ये जो आर्टिकल है इसको राजनाथ सिंह जी डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहा है कि कैसे कैसे उनकी गवर्नमेंट और उन्होंने नए इनिशिएटिव्स लेकर के आए हैं ताकि वुमेन को और एम्पावर किया जाए। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि कल, यानी कल 8 मार्च था और कल इंटरनेशनल वुमेंस डे था। तो बिलेटेड हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू ऑल द वुमेंस हु इज़ लिसनिंग दिस वीडियो। एंड उनके लिए ही यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आज पता चलेंगी। इसको आप यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। प्रिलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा इस आर्टिकल में, ठीक है। तो कहा जा रहा है मिनिस्टर के द्वारा कि कैसे हमने वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए काम किया है और कई सारे सेक्टर्स में उन्होंने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की वुमेंस को सो दैट वो आगे आ पाएँ और जो उनका करेज है उसको शो कर पाएँ। एंड अभी 2020 का जो डे है उसको सेलिब्रेट किया गया था, उसका थीम था आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेंस राइट, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंडिया की, इंडिया में कैसे एम्पावर करने के लिए वुमेन को काम किया गया है। तो सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सिक्योरिटी, ये चार ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर वुमेन को एम्पावर करने की ज़रूरत है। क्या क्या है? सोशियो यानी कि सोशल जो फिनोमेना है वहाँ पर महिलाओं को स्थान दिया जाए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जाए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर ऑब्वियसली किया गया। एंड वुमेन शुड प्ले डिसिसिव रोल इन द फैमिली एंड सोसाइटी इक्वली। ऑब्वियसली वुमेन का रोल जितना फैमिली में होता है उतना ही सोसाइटी में भी होता है और ये इक्वल रोल उनको मिले हर जगह पर, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए लॉ बनने चाहिए। अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने कैसे इसको अचीव किया है? तो इनका कहना है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम दैट डील्स विद द फाइव कॉम्पोनेंट ऑफ द सिक्योरिटी। ये आप देखिए, इसको याद रखिएगा, फाइव कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से, जिस पर कि गवर्नमेंट वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स को लेकर के आ रही है। पहला आपको याद होगा हेल्थ सिक्योरिटी, किसके लिए? मदर और चाइल्ड के लिए। इससे कई सारे स्कीम्स हैं हेल्थ सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए, पोषण अभियान है, फिर और भी कई सारे हैं जो जिसमें कि मदर को टारगेट किया जाता है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी इसमें आता है, फिर इसके बाद आपका जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है वो भी आता है। एंड सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ द फ्यूचर थ्रू द एजुकेशन एंड फाइनेंशियल प्रोग्राम। तो कई सारे ऐसे प्रोग्राम है जहाँ पर बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ उनको फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट भी दिया जा रहा है, जिसे आपने कई जगह पर स्टेट वाइज ऐसे प्रोजेक्ट सुने होंगे जहाँ पर कि अगर लड़कियां ग्रेजुएट होती हैं तो उनको 50,000 का रिवॉर्ड मिल रहा है, अगर लड़कियां 10th पास हो रही हैं तो उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, आगे पढ़ने के लिए पैसे मिल रहे हैं। तो ये सारे स्कीम्स जो हैं वो प्रेजेंट गवर्नमेंट और इवन स्टेट गवर्नमेंट भी लेकर के आ रही है वुमेन को एम्पावर करने के लिए। सिक्योरिटी एंड डिफेंस हैव बीन कंसीडर्ड एज अ मेल बैशंस बट द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू चेंजिंग द परसेप्शंस। ऐसा माना जाता है कि सिक्योरिटी और डिफेंस का जो स्ट्रीम है वो मेल डोमिनेटिंग है, लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो वहाँ पर इस परसेप्शन को बदल रही है और वुमेन को भी इस फील्ड में आगे लाना चाह रही है। जैसे कि अभी आपने एक केस सुना था सुप्रीम कोर्ट में, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, महिला आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने केस किया था। ये देखिए, प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वाला न्यूज़। तो उन्होंने अपने सीट को, अपनी पोजिशन को, यानी कि वुमेंस को जो आर्मी में जगह दी जाती है वो नॉन परमानेंट बेसिस पर दी जाती है, तो उसको परमानेंट करने के लिए भी न्यूज़ में आया था कि वो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनका सपोर्ट भी किया है। तो इस यहाँ पे हम बात गवर्नमेंट की कर रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट डिफेंस और सिक्योरिटी के फील्ड में वुमेन को एम्पावर कर रही है एंड नंबर ऑफ वुमेन को बढ़ा रही है पुलिस सेवा में और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं उन सेवाओं में। एन एडवाइजरी टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू रिजॉल्व 33% पोस्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जब ये होम मिनिस्टर थे तब की बात कर रहे हैं, यानी पिछले टर्म की बात कर रहे हैं, तब इन्होंने हर जगह पर, हर स्टेट गवर्नमेंट को, ऑल स्टेट गवर्नमेंट को ये एडवाइजरी जारी किया था कि 33% महिलाओं का सिलेक्शन होना चाहिए पुलिस फोर्स में, पुलिस सेवा में, ठीक है। तो ये इनका एक स्टेप था। एंड वीकर सेक्शन कैन प्ले इन द आर्म फोर्स, वीकर सेक्शन को कैसे लाया जाए आर्म फोर्सेस में। एंड वुमेन को एम्पावर करने के लिए जो मेजर फोकसेस एरियाज थे वहाँ पर टारगेट किया गया और
एक डाटा है, इसको आप देख सकते हैं कि आर्मी पर्सनल्स कंप्राइज्ड वुमन कितने हैं, 3.89%, 2019 का डाटा है ये, 6.7% इन नेवी एंड 13.28% इन एयरफोर्स. एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों जगह पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, जबकि जब हम 2016 के पहले देखते हैं तो महिलाओं का बहुत कम रोल था और सिर्फ 2.5% वुमेन आर्म फोर्स थी पूरे इंडियन आर्म फोर्सेस में. रीसेंट डेवलपमेंट में कुछ हम देखेंगे जो अभी पिछले साल में एग्जैक्ट एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हैं, तो वो आपको याद रखना है स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल, जिन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया था बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान, और उन्होंने एज अ फाइटर कंट्रोलर रोल प्ले किया था. उसके बाद उनको युद्ध सेवा मेडल भी दिया गया था. 2019 मई में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत, इनका भी नाम याद रखिएगा, ये ऐसी पहली वुमेन पायलट ऑफिसर थी इंडियन एयरफोर्स की टू क्वालिफाई टू अंडरटेक द कॉम्बैट मिशन ऑन द फाइटर जेट. और उसके बाद उन्होंने जो MiG-21 बाइसन था उसको कैरी किया था, और इनका भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा. और ये उस पहले बैच में थी वन द वुमेन फाइटर पायलट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स. इंडियन एयरफोर्स का जो पहला बैच बना था वुमेन फाइटर पायलट का, उसमें थी भावना कांत, इनका नाम याद रखना है आपको. असली ये आर्मी ऑफिसर तानिया शेरगिल का नाम आपने सुना होगा, इनको देखा भी होगा आपने 71st रिपब्लिक डे परेड के दौरान, ये लीड कर रही थी. एंड उसके बाद कुछ और डेवलपमेंट्स, जैसे कि ये प्रिलिम्स के लिए याद रखिएगा, सैनिक स्कूलों में गर्ल्स को अलाउ किया गया है, और सैनिक स्कूल जो मिजोरम में है वहाँ पर 2018-19 के प्रोजेक्ट में गर्ल्स स्टूडेंट का एडमिशन करवाया गया. सैनिक स्कूल में पहले सिर्फ लड़के पढ़ा करते थे, तो अब वहाँ पर लड़कियों का एडमिशन भी शुरू हो चुका है. और 5 सैनिक स्कूल्स जो हैं, आंध्र प्रदेश, कालिकिरी, कोडागु, बीजापुर और गोराखल एंड चंद्रपुर, इन सभी जगह पर स्टार्ट हो जाएगा 21-22 के टेन्योर में गर्ल्स का एजुकेशन, यानी गर्ल्स का एडमिशन ये शुरू हो जाएगा. एनरोलमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ गर्ल कैडेट इन एनसीसी, एनसीसी में गर्ल कैडेट को बढ़ाया जा रहा है. उसके बाद 33,000 गर्ल कैडेट कंट्रोल्ड इन द सीनियर विंग सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम्स फ्रॉम 2020. तो ये सारे अचीवमेंट्स हैं जो पिछले साल में, पिछले 2 साल में या आने वाले सालों में गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए डिफेंस के सेक्टर में हेल्प किया जा रहा है. डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी और एनहैंसमेंट ऑफ द वुमन स्किल की कोशिश की गई है कि डीआरडीओ में भी कैसे वुमन साइंटिस्ट को तवज्जो दिया जाए, वुमन को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए. एंड मतलब हम बात कहाँ पे स्पेस की कर रहे हैं कि कैसे डिफेंस के बाद हम स्पेस और पूरा साइंटिफिक टर्म में भी वुमन को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं. इसमें जब हम नाविक सागर स्कीम की बात करते हैं, याद रखिएगा बहुत इम्पॉर्टेंट है, नाविक सागर परिक्रमा जिसमें कि ऑल वुमेन क्रू थी और वो पूरे ग्लोब का इन्होंने चक्कर लगाया था 2018 में. आईएनएस तारणी उस समय में न्यूज़ में आया था, जो सारी महिलाएं इसमें गई थी और ये नारी शक्ति को डिपिक्ट कर रही हैं पूरी तरीके से. तो इकोनॉमिक सोशल एम्पावर करने के लिए भी कई सारे स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर के आई हैं, जैसे मुद्रा योजना, एमएसएमईज में जो महिलाएं हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकें, और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को पूरा बढ़ावा दिया जा रहा है इस योजना के तहत. इस तरीके से कई स्टेप्स लिए गए सरकार में जो वुमेन एम्पावर करने के लिए आगे बढ़ते हैं. एंड अल्टीमेटली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आप नहीं भूल सकते, जिसने कि बहुत ट्रेमेंडसली काफ़ी नंबर को इनक्रीज़ किया और लोगों को अवेयर किया, और इससे जो सेक्स रेशियो है वहाँ पर भी वो भी काफ़ी बढ़ा है. सो श्री शक्ति इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर राष्ट्र शक्ति. अगर आप राष्ट्र शक्ति को लाना चाहते हैं तो उसके लिए स्त्री शक्ति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. स्ट्रेंथनिंग आवर शक्ति वी कैन नॉट एस्पायर द शक्तिशाली भारत. शक्तिशाली भारत को लाने के लिए आपको अपनी शक्ति को यानी कि स्त्री को आगे बढ़ाना होगा, एस्पायर करना होगा, एम्पावर करना होगा. अब आइए न्यूज़ पर चलते हैं. न्यूज़ में पहला न्यूज़ तो यस बैंक के फाउंडर को अरेस्ट कर लिया गया है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया है. तो आपको याद रखना है इनके बारे में बेसिक थोड़ा सा जान लेना. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन कौन से लॉ में बाइंड हैं, कौन कौन से लॉ के तहत ये काम कर सकते हैं, ठीक है. तो ये थोड़ा आपको देखना है. अगला न्यूज़ है, एक नई पार्टी बनाई गई है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के नाम से, ठीक है. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक इंडेक्स है, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, याद रखिएगा जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स,
और ये जो इंडेक्स है वो कौन निकालती है, यूएनडीपी। इसमें बताया गया कि आज भी बहुत ज़्यादा तादाद में वुमन को के साथ बाइसनेस होता है, ठीक है। एंड कवरिंग 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 75 कंट्रीज टेल अस अबाउट जेंडर इन इक्वलिटी वर्ल्ड वाइड एंड इन इंडिया। तो ये इक्वलिटी को पूरा चेक करते हैं और इसमें इन्होंने बताया कि कितना बाइसनेस होता है, लोगों का क्या मानना है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मानती है कि मैन मेक बेटर पॉलिटिकल लीडर, जो मैन होते हैं वो ज़्यादा अच्छे पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं। 40% लोगों का मानना है कि मैन मेक बेटर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, एंड दैट मैन हैव मोर राइट टू अ जॉब वैन जॉब आर स्केयर्स, ठीक है। तो ये सारे जो सोच है लोगों का मानना है, उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो पार्लियामेंट्री सीट्स होती हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें सिर्फ 10 फीमेल हैं जो कि हेड हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। अदरवाइज सिर्फ 24% अभी तक पार्लियामेंट्री सीट वर्ल्ड वाइड वुमेन को मिला हुआ है। तो इस तरीके से ये डाटा है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और ये पिटी के लिए फैक्ट याद रखना है। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स यूएनडीपी के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ भी इससे जुड़ा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने क्या कहा है जेंडर इन इक्वलिटी के बारे में, इन इक्वलिटी के लिए इन्होंने कहा है कि 25 ईयर्स आफ्टर 189 कंट्रीज अडॉप्टेड 150-पेज रोड मैप, 189 कंट्रीज ने टोटल 150 पेज का रोड मैप अपने यहाँ पर अडॉप्ट किया। और उसके बाद जो रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन वुमेन के द्वारा बताया गया, देखिए वो क्या है, यूएन वुमेन जो वुमेन के प्रोटेक्शन और उनके एस्टैब्लिशमेंट के लिए, एम्पावर के लिए काम करती है, उन्होंने बताया दैट द मिलियन ऑफ वुमेन स्टिल फेस पॉवर्टी। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन और उनके खिलाफ जो वॉयलेंस होता है उसको फेस कर रही हैं। एंड 70% ऑफ लॉ मेकर एंड पार्लियामेंटेरियंस एंड मैनेजर्स आर मेन। तो पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटी मेकर्स, लॉ मेकर्स और मैनेजर्स मेन होते हैं। एंड नियरली 5 लाख वुमेन एंड गर्ल्स ओवर द एज ऑफ 15 आर इलिटरेट। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो कि 15 साल के एज के बाद इलिटरेट होती हैं, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट्स वगैरह यहाँ पर गिवन है। अगला न्यूज़ इकोनॉमी पर बेस्ड है। प्राइवेट बैंक्स लैग इन कटिंग लेंडिंग रेट्स। देखिए न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया था, 135 बेसिस पॉइंट तक कम कर दिया था। तो 6.5% से ये 5.15% पर आ गया 2019 में, लेकिन तब भी बैंकों ने अपने यहाँ पर लेंडिंग रेट को कम नहीं किया। ये बताया गया है वेटेड एवरेज लोन रेट में, WALR, जैसे MCLR होता था वैसे ही WALR है, एवरेज वेटेड एवरेज लोन रेट। ये लैंडिंग रेट है, ये याद रखिएगा, प्रिलिम्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो यहीं पर रिपोर्ट बताया गया कि बैंक अपने यहाँ पर लैंडिंग रेट को कम नहीं कर रहे हैं, बजाय इसके जब आरबीआई ने लैंडिंग रेट को कम कर दिया है, रेपो रेट को कम कर दिया है। अगला न्यूज़ भी इकोनॉमी पर बेस्ड है। पैनल प्रपोजेज रेजिंग डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड ऑफ कॉस्ट टू 50 लाख टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। तो ये न्यूज़ है कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जो केस जाते थे वहाँ पर थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया गया है, 50 लाख से इसको बढ़ा करके फ्रॉम 1 लाख, 1 लाख इंक्रीज टू 50 लाख फ्रॉम 1 लाख, 1 लाख से इसको तो जब इस थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया गया तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा जो NCLT में पहुंचने वाले केसेस हैं उनकी संख्या में कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव है कि, और अभी तक क्या क्रिटिसिज्म था कि जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या कही गई थी कि पूरे केस को 330 डेज में ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये देखा गया है कि इसका जो लिमिट है ये इसको क्रॉस करता जा रहा है, और ऐसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है NCLT का। तो यहाँ पर NCLT के केसेस में कमी आएगी इस बदलाव के बाद, बट आपको ये जो चेंज है उसको याद रखना है। अगला न्यूज़ है विवाद से विश्वास स्कीम से जुड़ा हुआ। तो विवाद से विश्वास स्कीम गवर्नमेंट लेकर के आई थी, लेकिन इस स्कीम से जो PSUs हैं वो काफ़ी वरिड हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि जो इसमें रिबेट दिया जा रहा है, CBDT का ये कॉन्सेप्ट है, और इसमें जो 2.4 लाख करोड़ रुपए है उसके जो टैक्स डिस्प्यूट हैं उनको विवाद से विश्वास स्कीम के तहत रिजॉल्व किया जाएगा, और इसमें जो लोगों को इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है वो पे नहीं करना होगा, उनको बस अपना प्रिंसिपल अमाउंट जमा करना है ताकि सरकार को उनका टैक्स मिल जाए और जो टैक्स पेयर्स हैं उनको रिबेट मिल जाए।
और इससे विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जो ये टैक्स बर्डन है, जो डिस्प्यूट चल रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। लेकिन इसके अदर कुछ सर्कमस्टेंसेस भी हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि ये जो इतना आधा रिबेट दिया जाएगा उससे कितना आगे नुकसान हो सकता है। तो आज लेता ही, थैंक यू सो मच वंस अगेन। अभी एडवांस में हैप्पी होली, एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ में पढ़ते रहिए एंड हैव अ सेफ होली। थैंक यू सो मच।